हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी भी ऐसी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही? आप सब प्रकार के व्रत कर लिए हैं, उपाय कर लिए हैं, फिर भी आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, तो शिव कथा का ये उपाय एक बार जरूर करिएगा। आपकी वर्षों की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो उपाय क्या है? आप सभी शिव भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी तो जरूर चढ़ाते होंगे, लेकिन अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप इन सामग्री को कुछ इस तरह चढ़ाएं। जैसे जब आप जल, दूध, दही, शहद चढ़ा लें, उसके बाद उसमें से केवल एक पदार्थ घी, उसी घी को जो आप शिवलिंग पर लेपन कर रहे होते हैं, उसी घी को जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है उसी जगह पर उस घी से अपने हस्त को, अपनी मनोकामना को बोलते हुए अपने हाथ में लगे घी को फेर देने मां से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि जो आपने अभिषेक किया है वो अभिषेक का फल भगवान भोलेनाथ कुछ ही दिन में प्रदान कर देते हैं मात्र उंगली फेर देने से। देखिए, अगर आपको ना समझ आया हो तो दोबारा समझा देते हैं। देखो, जब आप शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद चढ़ा देते हैं, उसके बाद घी को लेकर पहले शिवलिंग पर उस घी से शिवलिंग का लेपन कर दें, उसके बाद आपके हाथ में थोड़ा बहुत घी लगा ही होगा, अगर ना लगा हो तो थोड़ा सा शिवलिंग से लेकर के शिवलिंग की इर्द गिर्द जहाँ पर शिवलिंग रखा है उसी जगह पर अपने उस घी लगे हाथ को फेर दें, वहाँ पर भी लेपन कर दें जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अब यहाँ घी का लेपन करने से क्या होता है, क्योंकि भगवान शंकर उसको बहुत जल्द स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? भगवान शंकर और माता पार्वती के मिलन का वो स्थान होता है। माता पार्वती के हस्त कमल पर ही भगवान शंकर विराजमान है। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और उम्मीद भी करते हैं कि आपको हमारी वीडियो समझ में भी आई होगी। धन्यवाद।